बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये जुमे रात के दिन का अमल है। आप शबे जुमा में भी यानी रात के वक्त भी ये अमल कर सकते हैं। अमल बहुत आसान है और एक ऐसे कलीमा का अमल है जिससे आप सब वाकिफ हैं, और ये कलीमा ऐसा कलीमा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लिखा हुआ है। और जो कलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों पर लिखा हुआ है, आप ख़ुद सोचें कि उसको पढ़ने की आपको क्या बरकात मिलेंगी। और पूरे यकीन और सिदके दिल से ये अमल करें, अल्लाह पाक आपको ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क और दौलत अता फरमाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस अमल के करने वाले को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक उसको बेइंतहा बेहिसाब दौलत अता फरमाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक उसकी हर दिली हाजत और दिली तमन्ना को दिली मकसद को पूरा फरमा देंगे इंशाल्लाह ताला। आपने क्या करना है कि दिन के किसी भी हिस्से में या शबे जुमा को आप बावजू होकर किसी एक जगह बैठ जाएं, क्योंकि ये अमल बावजू किया जाए तो ज़्यादा पुरतासीर होगा, और अगर आप नहीं कर पाते तो आप बग़ैर वजू के ये अमल कर लें। आप किसी ऐसे वक्त में ये अमल करें जब तन्हाई का वक्त हो और आपको लगे कि आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, तो पूरे अल्लाह वाले ध्यान के साथ और यकसुई के साथ आप ये अमल करें। आपने क्या करना है कि बावजू होकर बैठ जाएं और अव्वल और आखिर आपने 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जो नमाज में दरूद पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी, वो 11-11 बार अव्वल आखिर पढ़ लें, और दरमियान में आपने 1000 मरतबा यानी 1000 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, इस कलिमा को आपने 1000 यानी 1000 टाइम्स पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है अपने मकसद के लिए, हाजत के लिए। इंशाल्लाह ताला आपका मकसद और हाजत पूरा होगा, आपकी तंगदस्ती ख़त्म होगी, इंशाल्लाह ताला आपके माली हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपके पास बेहतर और बहुत ज़्यादा तादाद में वाफर मकदार में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी, और इनके आने के आसार पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कुछ ही अरसे में अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दौलत से माला माल कर देंगे। आप हर जुमेरात को ये अमल कर सकते हैं, और कोई वक्त मुकर्रर कर लें तो बेहतर है, नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, किसी नमाज के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। नमाजों के दरमियान जो वक्फा आता है आप उसके दौरान भी ये अमल कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। बस रमज़ान और मुबारक की बाबरकत घड़ियों को लूट लें और रमज़ान की आज की जुमेरात में ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क अता फरमाएंगे, सुभान अल्लाह। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।